ओम गणपते नमः। दोस्तों, शनि महाराज सेजिटेरियस यानी धनु राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 18 अप्रैल को, और ये 6 सितंबर 2018 को दोबारा डायरेक्ट मोशन यानी मार्गी होंगे। सो 18 अप्रैल टू 6 सितंबर शनि का रेट्रोग्रेड यानी वक्री होने से सभी राशियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वक्री प्लैनेट क्या होते हैं, शनि महाराज का उसमें आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रह सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपकी सभी क्वेरीज का रिप्लाई दिया जा सके। तो चलो जानते हैं शनि का सेजिटेरियस यानी धनु राशि में ट्रांजिट। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि शनि महाराज 26 अक्टूबर 2017 को सेजिटेरियस यानी धनु राशि में प्रवेश किए थे। ये मूला नक्षत्र में प्रवेश किए थे, ये मूला नक्षत्र में चलते रहे। उसके बाद इनका 2 मार्च 2018 को पूर्व अषाढ़ा नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ। 18 अप्रैल तक वो उसमें चलेंगे और 18 अप्रैल 2018 वेडनेसडे को ये शनि महाराज रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो रहे हैं। ये वक्री हो, इनकी जो चाल है वो उल्टी रहेगी, और ये 5 जून 2018 को मूला नक्षत्र में दोबारा प्रवेश करेंगे। उसके अंदर इनकी मूवमेंट चलेगी, दैट इज़ रेट्रोग्रेड मूवमेंट। उसके बाद ये प्रोग्रेसिव होंगे 6 सितंबर 2018 को। इनका टोटल रेट्रोग्रेडेशन पीरियड रहेगा 142 डेज। शनि महाराज 2019 को 1 मई टू 19 सितंबर तक दोबारा रेट्रोग्रेड रहेंगे, और ये 25 जनवरी 2020 को कैप्रिकॉन साइन जो कि मकर राशि जो कि इनका अपना साइन है उसमें एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शनि महाराज क्या है, वक्री क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे सभी राशियों पर इसका क्या असर रहेगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, अगर आप समझते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो रिकमेंडेड है कि आप पूरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि वक्री ग्रह के बारे में आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन जनरली नहीं अवेलेबल होती है। दोस्तों, शनि महाराज को एक तामसिक प्लैनेट कहा जाता है। कुछ लोग इनको एक पापी ग्रह भी कहते हैं, मगर शनि ग्रह पापी मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। ये कर्म फल दाता है, भगवान शिव के द्वारा अपॉइंटेड। तो पापी ये तब है जब हमारे कर्म पापी हैं, क्योंकि इनका काम है हमें हमारे कर्मों का फल देना। ये सूर्य पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सर्विस क्लास को, जो लेबर क्लास है। आपके जो डिसिप्लिन है, हार्डवर्क, लेबर, आपकी जो लंबी आयु, इवन डेथ को भी इंडिकेट करते हैं। हमें ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें मिलती हैं, बीमारियां हैं, डर है, गरीबी है, कोई जेल यात्रा है, और इवन लंगड़ेपन के ये एक सिग्निफिकेटर हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीकल्चर को, डिसऑनर बॉडी के अंदर, ये लेग्स डिफॉर्मिटी, जो विंड की प्रॉब्लम है, बाइल्स, बोन, टीथ, लेजीनेस, जस्टिस, इन सब को ये शनि महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जो फ्रेंड्स हैं मरकरी एंड वीनस हैं, जो एनिमीज हैं सन मून एंड मार्स हैं। जुपिटर के लिए ये एक न्यूट्रल हैं, बिकॉज जुपिटर एक शुभ प्लैनेट है और इनका काम जो है वो न्याय करता है। तो इनके पास जो लॉर्डशिप है कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, कुंभ मकर एंड कुंभ राशि की है। इनकी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस 1 डिग्री टू 20 डिग्री है, और ये एग्जॉल्टेशन यानी कि पावर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब लिब्रा में ये 20 डिग्री यानी एक स्वाति नक्षत्र में होते हैं। डेबिलिटेशन इनका एरियस 20 डिग्री में है। ये वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, और इनका लक्की स्टोन है नीलम यानी ब्लू सफायर। दोस्तों, जो शनि महाराज की वजह से जो डिजीजेज होती हैं, दे आर फर्स्टली कॉज बाई पोल्यूशन, जिसमें कि आपके सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल एब्रेशन, स्टमक एसिडिटी, गैस, कट्स, लॉस ऑफ लिम्ब।
लॉस ऑफ लिम्ब कब होता है? जब जनरली शनि के साथ केतु का ट्रांजिट चलता है और उस पीरियड में कोई बॉडी पार्ट्स पे लॉस हो सकता है, पेन्स, हिस्टीरिया, टीथ की प्रॉब्लम, ट्यूमर और कैंसर, पैरालिसिस, रूमेटिज्म, डेफनेस, ये सब बीमारियां जो है शनि महाराज की पीरियड में वो हमारे कर्मों के हिसाब से वो ये प्रॉब्लम्स देते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं डिले को, ऑब्स्ट्रक्शन, मिजरी, सोरो, इवन हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इनको मोक्ष कारक कहा जाता है। ये जो प्लैनेट है एक लॉजिक का प्लैनेट है, फिलॉसफी का प्लैनेट है और सर्विस क्लास का प्लैनेट है। जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने लोग सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिलेटेड विद दिस सैटर्न। दोस्तों मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनके चार्ट के अंदर जो कंजक्शन हो रहा है सैटर्न का कुछ प्लैनेट से, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कब होगी, इसके बारे में जानेंगे। अगर ये मरकरी के साथ एफ्लिक्ट होता है तो इट कॉजेज फियर कॉम्प्लेक्स, आदमी डरता रहता है, कान में प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। अगर वही जुपिटर आ जाते हैं, बृहस्पति हैं जो कि आपके शादी के कारक हैं, तो सैटर्न आ जाते हैं तो इट कॉजेज द इम्पोटेंसी, शैटी का पेन भी ये करते हैं। और अगर सन के ऊपर, सन का सैटर्न के साथ कनेक्शन बन जाता है, इवल एस्पेक्ट मीन्स सन इज इन द बैड हाउस, तो इट कैन कॉज वीडी, स्किन डिजीज। एंड शनि महाराज जो है वो एक प्रोलॉन्ग डिजीज, यानी कि कोई भी काम है तो लंबा खींचना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने जाना कि सैटर्न महाराज का क्या रोल रहता है, क्या प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ये उनके, ये एक इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके जो सैटर्न है वो योग कारक है, योग कारक रहते हैं वो जनरली शुक्र देव की राशियों में, जैसे दो नंबर टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस साइन के अंदर, उनमें स्ट्रेंथ रहती है। जब उनमें स्ट्रेंथ रहती है तो इवन आप देखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस, जो लीडर बनते हैं वो सैटर्न के पीरियड में बनते हैं। जो शनि का एस्पेक्ट आता है तो जनरली वो एक शादी का इफेक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी में जो काम रुके हुए हैं या काम रुकते हैं वो भी शनि की वजह से होते हैं। तो अब जानेंगे कि वक्र क्या है, शनि का रेट्रोग्रेड पीरियड क्या होता है। जो सैटर्न है वो जो सूर्य की परिक्रमा, यानी उसका एक ऑर्बिट का पूरा राउंड 29 ईयर्स 5 मंथ 16 डेज 23 आवर्स एंड 16 मिनट, जिसको हम ब्रॉडली रूटीन में लोग सभी 30 ईयर्स बोल देते हैं उसमें करते हैं। और अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो एक राशि पे ये 30 मंथ रहते हैं, मतलब 30 डिग्री की जो राशि होती है उसके अंदर ये 30 मंथ्स, 2.5 ईयर रहते हैं। एक नक्षत्र में 400 डेज, हर साल में ये 142 डेज के करीब ये वक्री होते हैं, और तकरीबन 4 महीने, और बाकी पीरियड ये जो है प्रोग्रेसिव रहती है। जब सैटर्न सन के पास 15 डिग्री के रेंज में आते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। सन की स्पीड ज़्यादा है, सन चलते रहते हैं, और जब ये जो 38 डेज के बाद ये कम्बस्चन से निकल जाते हैं, उसके 135 दिन के बाद ये प्रोग्रेसिव चलते रहते हैं, और उसके बाद 140 डेज का पीरियड जो होता है वक्री होता है। वक्री होने से यानी रेट्रोग्रेड होता है, रेट्रोग्रेड से 5 दिन आगे या पीछे ये एक स्टेशनरी पीरियड में आते हैं। जातक तत्व जो एक हमारा एक बड़ा पुराना ग्रंथ है, उसके अंदर दिस इज कि अगर आपका कोई शुभ ग्रह वक्री है यानी रेट्रो है, तो इट गिव यू वेल्थ, हैप्पीनेस, स्टेटस इंक्रीज। अगर वही कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो आपको जो स्टेटस, फाइनेंशियली आपके जो रेपुटेशन है, इनका लॉस होता है और आपको उसके एडवर्स रिजल्ट मिलते हैं। तो जो वक्री ग्रह हैं, इनके ट्रांजिट में अगर ये आपके चार्ट के अंदर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपको लॉस होगा, जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब ये सन से दूर हो जाते हैं तो इनकी स्पीड पहले तो स्लो डाउन होती है,
फिर स्टेशनरी पीरियड में आते हैं, फिर रेट्रोग्रेड, फिर स्लो डाउन, फिर स्टेशनरी, फिर डायरेक्ट मोशन। तो जो सूरज महाराज है वो पूरे प्लैनेट किंगडम के राजा हैं। तो जब राजा के पास रहते हैं कोई भी प्लैनेट तो दे रिमेन अंडर कंट्रोल। मगर तो जैसे जो राजा है उसके सामने सारी प्रजा या सभी प्लैनेट्स बड़े अंडर कंट्रोल रहते हैं, और अभी सूरज महाराज इनसे दूर हो जाएंगे, यानी आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल टीचर जो हैं वो बच्चों से दूर हो गए हैं। तो जो बच्चे शरारती हैं वो शरारत ज़्यादा करेंगे, जो पापी ग्रह हैं वो आपको रिजल्ट अपने इनके पापी ग्रह के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा बढ़ के मिलेंगे, आपकी एफर्ट बढ़ जाएगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो बेसिकली उस पीरियड में ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं वो अपने ट्रू कलर में आ जाते हैं, जो इनका नेचुरल सिग्निफिकेशन है वो आपको वो देंगे। तो दोस्तों वक्री ग्रह जो है वो जो नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा पावरफुल काउंट होते हैं, बिकॉज जब सन के कंट्रोल में थे तो दे वर अंडर कंट्रोल, मगर अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल है, सो दे आर मोर पावरफुल। सो आपको वक्री ग्रह आपको बार बार एफर्ट करनी पड़ती है, एक ही काम करने के लिए आदमी को कई बार मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों एक रिकमेंडेशन है, अगर आप कोई के नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 18 अप्रैल से पहले आप कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हो सकता है कि उसके लिए आपको बार बार एफर्ट करनी पड़े। अभी टाइम है और इसका टाइम का बेनिफिट लें, और कोई भी काम जो लंबे काम का इशू है, जैसे कोई नया बिजनेस है और कोई मकान शुरू करना है, और आप 18 अप्रैल से पहले शुरू करते, उसके बाद वक्री होने पे उसके असर नहीं मिलेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कोई भी काम करेंगे वो बार बार आपको वही रूटीन में पूरी प्रोसीजर आपको दोबारा करने पड़ेंगे। दोस्तों रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है जिस हाउस के अंदर पोस्टेड होता है उस घर के सिग्निफिकेशन के बारे में कंफ्यूज से स्टेट बना देता है, उसके सिग्निफिकेशन कमज़ोर हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, और उसका जो पर्पज़ है अनसर्टेन हो जाता है। मगर जो ये लोग होते हैं वो कुछ डिफरेंट करते हैं जो दूसरों के मुकाबले, वो दे डू समथिंग डिफरेंट। तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं तो आदमी को जो भी नेटिव है ही हैज़ टू कंट्रोल हिज डिज़ायर्स एम्बिशंस, बिकॉज जो सैटर्न का रेट्रो पीरियड है वो उसको इनसिक्योर कर देगा, ही विल नॉट बी कंफर्टेबल, उसके अंदर एक कंफ्यूजन चलता रहेगा जिसकी वजह से उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी। आप क्या करेंगे, जो आपके दोस्त हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप अपना दुश्मन बना लोगे, और आप सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करना शुरू कर दोगे। जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे तो आप सोसाइटी से आइसोलेटेड हो जाओगे। आइसोलेशन मीन्स आप अपने फ्रेंड्स जो रिलेशंस हैं उनसे अब थोड़ा अलग कटना शुरू कर देते हो, अब चुप रहना शुरू कर देते हो, और इवन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए आप थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हो। तो ऐसे जो नेटिव होते हैं दे टेल अदर्स कि आई नो एवरीथिंग, बट दे डोंट रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल, और जब लोग कोई उनको मोटिवेट करता है देन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर कैपेबिलिटीज। तो दोस्तों सैटर्न का ट्रांजिट हर हाउस के हिसाब से वो क्या आपके ऊपर असर डालेगा उसके बारे में जानते हैं, मगर ऐसा है कि हर आदमी का जो एक चार्ट है वो दैट इज़ ए डिफरेंट चार्ट। उसके अंदर सैटर्न की क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रेंथ है, सैटर्न बेनिफिक है, योग कारक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि एक पर्सनलाइज्ड इशू है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सैटर्न किस हाउसेज के अंदर क्या क्या आपको वक्री के पीरियड या रेट्रो के पीरियड में इफ़ेक्ट देगा, और अगर इन इफेक्ट से आपको चेंजेस लग रहे हैं तो फिर आप अपना पर्सनल चेक करें कि जो सैटर्न है वो बेनिफिक है या मेलिफिक है। दोस्तों एरी साइन के लिए जो जब सैटर्न अभी जो है वो सेजिटेरियस में है, यहाँ पे रेट्रोग्रेड होंगे, तो जो नेटिव है वो अपना प्रॉपर्टी के बारे में एक लापरवाह सा एटीट्यूड रखेगा। सैटर्न जो रेट्रो हो रहे हैं वो नाइन्थ हाउस में है,
नाइन्थ हाउस डिपिक्ट करता है फादर का लक, हायर एजुकेशन, योर रिलीजन एंड लॉन्ग ट्रैवल। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल को अवॉइड करें, क्योंकि जनरली इस पीरियड के अंदर जो ट्रैवलिंग है दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट, आप बेमतलब ही ट्रैवल करते रहेंगे जिनका पर्पज़ नहीं होगा। फादर की सेहत का ख्याल रखें। हायर एजुकेशन के अंदर आपको कुछ सेटबैक मिल सकते हैं, अगर ये कंडीशंस तब हैं जब सैटर्न आपके चार्ट के अंदर एक मेलिफिक एक्ट कर रहे हैं। डिस्पाइट एनीथिंग जो इनके सिग्निफिकेशंस हैं इस पीरियड के अंदर काफ़ी स्लो हो जाएंगे। अगर कहीं मैरिज के काम, मैरिज की बात चल रही है तो जो एरीज लगन वाले हैं, हो सकता है कि जो मैरिज प्रपोजल है जो कि फाइनलाइज की स्टेट पे था, फिर वो वापस नो गो की स्टेट में आ जाए। इस पीरियड में, रेट्रो के पीरियड में कोई नई पार्टनरशिप ना करें तो बेटर है। इस पीरियड में आपका एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन, इन चीज़ों के ऊपर आपका खर्चा बढ़ सकता है। टेक केयर। टॉरस यानी वृष राशि के लिए जो सैटर्न है वो एट्थ हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे। एट्थ हाउस इज योर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, योर रिसर्च, शेयर मार्केट। तो जो टॉरस के लोग हैं, अगर आपका लक और सैटर्न एक अच्छी पोजीशन में है तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का इस पीरियड के अंदर कोई केस जो है वो हो सकता है कि वो काफ़ी स्लो हो जाए और उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाए। इस पीरियड में आपने अवॉइड क्या करना है, कोई लिटिगेशन वगैरह को अवॉइड करना है। हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप जॉब चेंज करने के मूड में हैं तो इस पीरियड के अंदर आप चेंज जॉब को उसको अवॉइड करें चेंज करने के लिए। जेमिनी साइन के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट है रेट्रो में, दैट इज इन द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट यानी रेट्रो पोजिशन आपके मैरिज प्रपोजल उनको डिले कर सकता है। कोई नई पार्टनरशिप आपके लिए भी सुजेस्टेड है कि आप इस नई पार्टनरशिप में ना पढ़ें। लव अफेयर्स जो चल रहे थे वो टूट सकते हैं। एजुकेशन के अंदर अगर आपका सैटर्न आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ चाइल्ड में बच्चे होने में डिले हो सकता है। जेमिनी साइन के लिए जो सेवन्थ हाउस का ट्रांजिट सैटर्न का है, इट कैन अफेक्ट योर सेल्फ ईगो, आपका फिजिकल, आपका हेल्थ। इट कैन अफेक्ट यू मेंटली एंड फिजिकली अगर सैटर्न आपके बेनिफिक पोजीशन में नहीं है तो। कैंसर यानी कर्क राशि, सैटर्न का रेट्रो ट्रांजिट कैंसर साइन के लिए चार्ट के सिक्स्थ हाउस में होगा। सिक्स्थ हाउस होता है हमारे कंपटीशन का, लिटिगेशन, हेल्थ, लोन, जॉब, इन सभी सिग्निफिकेशन के बारे में। जब सैटर्न यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो जो इंडिविजुअल का नेचर है उनके लिए बड़ा कैजुअल हो जाता है। ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज हेल्थ, ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज जॉब, कॉम्पिटिशन के लिए भी ही विल नॉट पुट इन हिज बेस्ट। तो इसकी वजह से ही कैन फेस दी प्रॉब्लम्स और हिज हेल्थ कैन गो बैड, ही कैन गेट हॉस्पिटलाइज्ड। और अगर इसके ऊपर कोई मेलिफिक का भी इफेक्ट आ रहा हो या आपके बर्थ चार्ट के अंदर इसके अंदर कोई मेलिफिक हो तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर इसके अंदर कोई बेनिफिक है तो इस कंडीशन में जो एनिमीज हैं वो ख़त्म होते हैं और हेल्थ ठीक रहती है। मगर कैंसर साइन के लिए जो आपके लिए रेमेडी है कि आपने अपने सेहत का ख्याल रखना है, अपनी जॉब कंपटीशन के लिए आपने मेहनत करते रहना है, गाड़ी चलाते हुए स्पेशली आपने ख्याल रखना है और ध्यान से गाड़ी चलानी है, और अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। लियो यानी सिंह राशि के लिए जो सैटर्न का रेट्रो पीरियड है, दैट इज इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के अंदर जो सिग्निफिकेशंस हैं दे आर कंसर्न विद योर एजुकेशन, लव अफेयर, चाइल्ड, क्रिएटिविटी। सो इस पीरियड के अंदर अगर सैटर्न बेनिफिक नहीं है तो आपके जो एजुकेशन के अंदर एक रेट्रो रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट होगी। लव अफेयर्स जो हैं वो जो चल रहे हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सैटर्न बेनिफिक है तो ये आपको जो आपके लव अफेयर्स में सक्सेस देगा। अगर सैटर्न मैलिफिक है तो आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं,
जो आपकी क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, इनके अंदर कुछ आपको एजुकेशन और इनके साथ आपको दिक्कत हो सकती है। कोई आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का केस है तो वो भी लटक सकता है। तो जिनके सैटर्न की पोजीशन ठीक नहीं है इस पीरियड में, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ना करें। अगर आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है तो डिले ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसका आपको कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो कोई कोर्ट में केस चल रहा है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का, तो उसकी अगर कॉल आती है तो आप ये मान के चलें कि उसके अंदर आपको कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। सो अवॉइड दिस पीरियड इफ़ योर सैटर्न इज ए मैलिफिक। अगर बेनिफिक है तो इट कैन गिव यू लक, सक्सेस एंड गेन्स। वर्गो यानी कन्या राशि, जो सैटर्न महाराज हैं, शनि महाराज, वो फोर्थ हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। इसके अंदर इनका रेट्रो पीरियड स्टार्ट होता है। फोर्थ हाउस जो हमारा है, दैट इज़ फॉर द मदर, कन्वीन्स कंफर्ट एंड योर फैमिली लाइफ। तो इस पीरियड के अंदर जो इंडिविजुअल है, जो नेटिव है, ही बिकम्स वेरी मच कैजुअल अबाउट हिज हाउस। घर के जो वर्कर्स हैं, ही इज़ नॉट वरीड कि उसके इससे जो बाकी लोगों के बिजनेस पे या काम पे क्या फ़र्क पड़ता है। और जनरली इस पीरियड के अंदर वो अपने जो घर गृहस्थी के काम हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनको पूरा नहीं कर पाते। मदर की हेल्थ, दैट कैन गेट अफेक्टेड। अगर आपका कोई घर का कन्वेंस का कोई काम चल रहा है, कि आप मान लो आप सैटर्न ट्रांजिट के अंदर, रेट्रो ट्रांजिट के अंदर आप कोई घर बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो काम लटकता रहेगा। या तो उससे पहले काम शुरू कर दें या बाद में शुरू करें। हाँ, अगर सैटर्न जो है वो मकर का, यानी इस कैप्रिकॉन का, एक्वेरियस या लिब्रा का है, तो आपको कोई इस पीरियड के अंदर कोई आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है और ये आपको एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए, जो सैटर्न का रेट्रो पीरियड है, दैट इज़ इन द थर्ड हाउस, क्योंकि सैटर्न महाराज थर्ड हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। थर्ड हाउस इज कनेक्टेड विद योर करेज, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग एंड शॉर्ट चर्निंग। तो आप इस पीरियड में कैजुअल हो सकते हैं अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए। यू कैन टेक देम ग्रांटेड। आप उनके साथ कोई बदतमीजी भी कर सकते हैं अगर आपका सैटर्न बेनिफिक पोजीशन में नहीं है आपके बर्थ चार्ट में। आपकी जो जर्नीज हैं, दे मे नॉट गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट। आपका जो आपके भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ रिलेशन की वजह से, इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ ईगो इन यू। आपके जो ईगो है वो सेल्फ इन्फ्लेटेड होकर इट हैज़ टू कम बैक टू मदर अर्थ। इस पीरियड के अंदर जो आपके एरियाज अफेक्टेड रहेंगे, दैट इज़ योर कॉम्पिटिशन, लिटिगेशन, हेल्थ, इवन दी जॉब, और बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद करेज, तो उसके अंदर आप एक कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से जॉब के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सैटर्न बेनिफिक नहीं है, अगर सैटर्न कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या लिब्रा साइन का, लिब्रा तो इसमें नहीं आएगा, तो कैप्रिकॉन या एक्वेरियस का है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये आपको बेनिफिट दे सकता है, आपको इन सिग्निफिकेशन के अंदर सक्सेस दे सकता है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए जो सैटर्न है वो सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस इज कनेक्टेड विद फैमिली वेल्थ, स्पीच का जो पैसा है, दैट इज कनेक्टेड विद द सेकंड हाउस। जो आपके मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं वो सभी सेकंड हाउस के साथ कनेक्टेड हैं। तो आपकी जो स्पीच है, दैट कैन गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसकी वजह से आप अपने फैमिली में, अपने सर्कल के अंदर अपनी रेपुटेशन खराब कर सकते हैं। और इवन जो इसका इफेक्ट आपके जॉब पे या बिजनेस वाली जगह पे होने की वजह से, आप जो है जो पैसे का इनफ्लो है, दैट कैन गेट अफेक्टेड। सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए, जो सैटर्न महाराज अपने रेट्रो पीरियड के अंदर लगन में ट्रांजिट करेंगे, लगन में ट्रांजिट करने से जो इंडिविजुअल है, नेटिव है, उसको थोड़ा ईगो इन्फ्लेटेड कर देंगे। सो ही विल नॉट बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ कंप्रोमाइज़।
वो अपने ही विचारों को, अपनी ही सोच को हर एक के ऊपर थोपना चाहेगा। तो अगर वो अपनी जिद को, अपनी ईगो को छोड़ के चलते हैं तो दे कैन डू वेरी वेल, और इस पीरियड में उनके लिए टाइम ठीक निकल सकता है। अगर आपके नेटल चार्ट के अंदर जो सैटर्न है वो सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और सॉरी पाइसिस, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस या लिब्रा साइन के हैं तो आपको दे कैन गिव यू प्रमोशन, दे कैन मेक यू एज ए लीडर और दे कैन गिव यू ए राइज। मगर सैटर्न की क्या स्ट्रेंथ है ये देखना पड़ेगा, और इस पीरियड के अंदर जो रेट्रो पीरियड के अंदर दे कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस। और अगर वही सैटर्न जो है इनके अलावा किसी और साइन के अंदर है तो उसके अंदर ये इनको जो ईगो है वो उसको ख़त्म कर सकते हैं, आपको एक आइसोलेशन वाली स्टेज में भेज सकते हैं। सो बेटर ये है कि आप अपनी जिद को, अपनी ईगो को छोड़कर चलें इस पीरियड के अंदर, तो दैट इज़ गुड फॉर दी सेजिटेरियस साइन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि जो सैटर्न है वो 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, इनका जो रेट्रो पीरियड है इस पीरियड के अंदर। अगर आपके बर्थ चार्ट में जो सैटर्न है वो एरिस, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस और पाइसिस साइन में है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न की पोजीशन खराब है तो ये आपको एक ऐसा पीरियड देगा जिसके अंदर एक आप अपने अंदर के बारे में सोचेंगे, बिकॉज आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कैजुअल हो जाएंगे और आपकी जो सोच है वो सिर्फ अपने अंदर के लिए ही रह जाएगी, और इसमें आपको काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं। दैट लॉसेस कैन बी रिलेटेड टू योर हॉस्पिटलाइजेशन। सो इस पीरियड के अंदर जो कैप्रिकॉन साइन है उनको जो खर्चे को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा हाथ तंग रखना चाहिए, और जो गलत लोग हैं उनकी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में कुछ गलत लोग हैं तो वो आपको हॉस्पिटल या जेल में पहुंचा सकते हैं। सो इन कैप्रिकॉन के लिए स्पेशल जो उसका 12th हाउस में ट्रांजिट का आपने देखना है। कोई लिटिगेशन में भी पैसा खर्च हो सकता है, हेल्थ पे ख़त्म खर्च हो सकता है। अगर आपने कोई लोन लिया है इस पीरियड के अंदर, इनको लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी पेमेंट आपके लिए पूरा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका जो कर्जा है उतरने में टाइम लगेगा। सो कैप्रिकॉन के लिए इस पीरियड के अंदर बेटर ये है कि आप जो है कोई कर्जा ना लें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट है दैट इज इन 11th हाउस इज कनेक्टेड विद योर रिलेशन, योर एल्डर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स। तो सैटर्न यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर लिब्रा, एक्वेरियस और कैप्रिकॉन के हैं तो आपको अच्छे फल देंगे। अगर उसके अलावा किसी और राशि में हैं तो इस पीरियड के अंदर आपके जो आप जो रिलेशंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, आपके जो रिलेशंस हैं, दे कैन गेट अफेक्टेड। जो लोग पावर में हैं वो दूसरों की चापलूसी के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। स्पेशली आपको उन लोगों के साथ सावधान रहना है जो कि आपके आपको फ्लैटरिंग करते हैं। दे कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू स्पेशली इन योर लव अफेयर्स एंड विद योर पेरेंट्स। तो आपको उन लोगों के कंपनी से थोड़ा दूर रहना है इस पीरियड में, आपके लिए यही सलाह है। पाइसिस यानी मीन राशि जो सैटर्न है वो 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 10th हाउस इज योर वर्क प्लेस। तो जनरली जो इस रेट्रो पीरियड में जो इंडिविजुअल है, जो नेटिव है, वो अपने जो उसको पावर्स मिली हैं वो उनका मिसयूज करना चाहेगा। ही विल ट्राई टू से दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन। सो पावरफुल होके भी आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे उसको अवॉइड करेंगे, आप
बेनिफिट्स तो जॉब के पूरे लेना चाहेंगे, मगर प्रमोशन लेना चाहेंगे, कैरियर में ग्रोथ चाहेंगे, बट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उससे बचना चाहेंगे। सो आपके लिए सलाह है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी लें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके जो बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी साइन में है तो वो आपको एक प्रमोशन की वजह से या किसी और की वजह से वो आपके स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपको कोई लीडर बना सकते हैं, वो इस पीरियड में आपको कोई इस वर्क प्लेस में कोई अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। और दैट विल डिपेंड आपके बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न की क्या पोजीशन है। दोस्तों ये जो हमने डिस्कस किया फॉर द डिफरेंट साइंस, ये एक ट्रांजिट बेस्ड प्रेडिक्शंस है। और याद रखें कि वक्री या मार्गी, दैट विल डिपेंड कि आपके नेटल चार्ट के अंदर वेदर इट इज़ प्रोमिस्ड और नॉट प्रोमिस्ड। अगर प्रोमिस नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। जो ट्रांजिट्स रहते हैं ये जस्ट डिलीवरी बॉय हैं, और डिलीवरी का टाइम क्या होता है, हमारी दशा और अंतरदशा जो है वो जो डिलीवरी का पीरियड होता है, और ये जो ट्रांजिट है वो डिलीवरी बॉय की तरह है जो कि आपके आपको डिलीवरी करके जाता है। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस जो हैं वो दैट कैन बी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सैटर्न इन बर्थ चार्ट, क्या दशा है, स्ट्रेंथ क्या है और दूसरे प्लैनेट्स का उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। दोस्तों अगर आपको लगे कि ये पीरियड आपके लिए जो वक्री का पीरियड है ठीक नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको शुरू में ही थोड़ा सा महसूस होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी रेमेडी करें। रेमेडी में आप क्या कर सकते हैं कि लोहे की 8 कील जो हैं और उनको जो काली दाल होती है 1 kg काली दाल लें, कुछ ब्लैक फ्लावर्स लें और तेल के साथ इनको शनि के मंदिर में चढ़ा दें। ये एक छोटी सी रेमेडी रहती है, बाकी जो मेन रेमेडी रहती है वो हमारे एक नेचर में रहती है कि शनि जो है वो आपको कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। दे गिव ए चर्निंग कि आपने ये काम किया या नहीं किया, वो उसका हिसाब किताब के लिए आए हैं। ये जो मंदिर पाठ पूजा है ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है अगर मेरे को पता है कि मेरे को इस पीरियड में काम करना पड़ेगा या मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आई शुड वर्क हार्ड, आई कैन नॉट रन अवे, आई शुड नॉट से कि मैं तेल चढ़ा के या शनि के मंदिर में जाने से वो रेमेडी पूरी हो जाएगी। शनि जो है वो एक लेबर क्लास को डिपिक्ट करते हैं, जो मेरा अगर नेचर जो है, एटीट्यूड जो है वो लेबर क्लास के लिए अगर ठीक है, मैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट देता हूँ, काम तो लेना है मगर ड्यू रिस्पेक्ट देता हूँ, तो शनि महाराज ठीक रहते हैं। तो दोस्तों ये तो था रेट्रोग्रेड शनि के बारे में। जैसे मैंने बताया कि एग्जैक्ट जो रिजल्ट्स हैं दे कैन वेरी बेस्ड ऑन द सैटर्न पोजीशन इन योर बर्थ चार्ट। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।